नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से। सोने की तरह चमक रहा है नारायण धाम दूर से ही देखने पर। जी हां, आपने सही सुना, आज हम बात कर रहे हैं चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री धाम की। जिस बद्री धाम की अगर हम बात करें तो बद्री धाम आजकल बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से नारायण धाम दूर से ही चमक रहा है। हालांकि दो दिनों से मौसम काफी अच्छा बना हुआ है, चटक धूप खिली हुई है नारायण धाम में, जिस कारण तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। इस वर्ष नारायण धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने नारायण धाम के दर्शन प्राप्त किए हैं और यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना गया है। जहां इस वर्ष लाखों यात्रियों ने भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। आलम यह है कि जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में नारायण धाम के दर्शन प्राप्त करने के लिए हजारों की तादाद में हर दिन देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। बताया जा रहा है कि नारायण धाम के कपाट 19 नवंबर 3:35 पर शाम के वक्त आम श्रद्धालुओं के लिए शीतकालीन हेतु बंद कर दिए जाएंगे। मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल के धाम में 6 महीने नर द्वारा पूजा की जाती है और बाकी 6 महीने देवताओं के द्वारा 6 महीने के लिए नारायण धाम की पूजा की जाती है। बता दें कि 6 महीने नारायण स्वयं देव ऋषि नारद करते हैं और 6 महीने भगवान नारायण के धाम में एक अखंड ज्योति भी जलती है, जो अखंड ज्योति के दर्शन कपाट खुलते समय भी किए जा सकते हैं। तीर्थयात्री कपाट खुलते समय नारायण के दर्शन प्राप्त करने से पहले अखंड ज्योति के दर्शन प्राप्त करते हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि ये तस्वीर काफी अद्भुत तस्वीर है। रिपोर्ट देखिए नवीन सिंह के साथ।